हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चा हम करने जा रहे हैं पार्ट फोर चैप्टर नंबर 10 का। हमारा कौन सा है चैप्टर नंबर 10? ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है, जो कि हमारा क्लास 12th का है बच्चा, ठीक है। इसके जो और पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और बाकी बच्चा, इस चैप्टर के नोट्स क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आज जैसे हमारे ये सिलेबस ख़त्म हो रहा है, बट इसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मैं दोबारा कराऊंगा बच्चा, एक बार उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है। और जो प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में होते हैं, वो होते हैं फिक्स्चर्स। तो फिक्स्चर्स को ऐसे समझाऊंगा, कितनी भी नंबर ऑफ टीम्स का फिक्स्चर आपको बनाने को आ जाए और किसी भी मैथड से आ जाए बच्चा, आप ईजिली उसको कर लोगे, आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस एक बार आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का अपना पार्ट शुरू करते हैं, जो कि हमारा पार्ट 4 है चैप्टर नंबर 10 का बच्चा। आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी, ठीक है बच्चा। ये जो हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है और एजिलिटी है, इसको दो पॉइंट में बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी। एक वो एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, बॉडी की, कि वो जो मूवमेंट करता है, ठीक है, क्या करता है, जब वो कोई भी मूवमेंट करता है तो वो मूवमेंट बिल्कुल परफेक्टली हो, ठीक है। आई होप एग्जांपल से बताता हूँ बच्चा। आपने दो कोन लगाए, ठीक है बच्चा, और आपने इस पर्सन को, ये कोई पर्सन है, इसको आपने बोला आपको यहाँ से भागना है और यहाँ पर आपको वापस आना है। मीन्स ये पर्सन ने यहाँ से भागना शुरू किया और अच्छे से बिल्कुल बिना गिरे यहाँ तक आके मूवमेंट कंप्लीट कर लिया, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, तो वो ना गिरा ना कुछ, पर उसने ये एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट की, तो ये हमारी उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हो गई उसकी बॉडी की। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है बच्चा, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली, ठीक है। क्विकली मतलब क्या हुआ, अब आप खुद सोचिए, आपने एक कोन यहाँ पर रखी थी और एक कोन यहाँ पर रखी थी, अब ये पर्सन है, आपने इसको बोला कि आपको यहाँ से भाग के यहाँ पर आना है, तो ये पर्सन बहुत ही तेज स्पीड में भागता हो गया और तुरंत इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वापस यहाँ पर आ गया। अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसने जब डायरेक्शन चेंज किया था तब उसने अपनी बॉडी को बैलेंस किया, ठीक है। मींस अगर कोई भी पर्सन अपनी बॉडी को बैलेंस अच्छे से कर लेता है, या किसी भी पर्सन की बॉडी बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड है, वो कोई भी मूवमेंट बहुत बैलेंसली कर लेता है, या फिर कोई भी डायरेक्शन चेंज करना हो उसे एकदम से क्विकली, लाइक अगर हम भाग रहे हैं हमारे सामने कार आ जाए तो हम एकदम से डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं या दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जब कोई भी पर्सन अच्छे से कर लेता है तो बच्चा वही हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या एजिलिटी होती है किसी भी पर्सन की। अब क्लियरली आपको दो पॉइंट बता दिए हैं मैंने, एक बार रिवाइज करा देता हूं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एक वो एबिलिटी होती है जिसमें ह्यूमन बॉडी या कोई भी पर्सन अच्छे से मूवमेंट कर सके परफेक्टली। सेकेंड पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे, कोई भी पर्सन क्विकली डायरेक्शन चेंज कर लेता है अपना व्हेन ही इज इन मोशन, वो मोशन में हो, वो कोई एक्टिविटी कर रहा हो और तुरंत ही अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो वो एबिलिटी हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या एजिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एबिलिटी की टाइप की। तो बच्चा आपकी एबिलिटी कितने टाइप की होती है, 6 टाइप्स की होती है बच्चा, ठीक है। आपके सामने सारे नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि एक एक करके ये कौन सी एबिलिटी है और इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन इतनी ज्यादा तो एग्जाम में आती नहीं है, तो शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चा सबसे पहली एबिलिटी की, जो है एडेप्टिव एबिलिटी। तो एडेप्टिव एबिलिटी में सबसे पहला वर्ड आ रहा है एडेप्टिव, मींस बच्चा अडॉप्ट करना कोई भी चीज। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं एडेप्टिव एबिलिटी का, क्या बच्चा आप ही मानिए, एक ये कार है यहां पर, ठीक है, ये कार है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्सन है, ये यहाँ पर आ रहा है एकदम से सामने से, और एकदम से उसको लगा कि कार आ रही है सामने, तो उसने क्या किया, उसने एकदम से डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। मीन्स क्विकली चेंज इन डायरेक्शन की एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी किस में आती है, वो हमारी एडेप्टिव एबिलिटी में आती है। तो एडेप्टिव एबिलिटी आर दोज एबिलिटी इन विच अ पर्सन चेंजेस डायरेक्शन क्विकली एज पॉसिबल इन द मूवमेंट, जब भी वो कोई भी मूवमेंट कर रहा होता है तो उस दौरान वो अपने डायरेक्शन को जल्दी से इन्हें चेंज कर ले, तो डैट एबिलिटी इज नोन एज
एडेप्टिव एबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। इसके बाद में आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एबिलिटी पे, जो है बैलेंस एबिलिटी। मीन्स बच्चा वो एबिलिटी किसी भी पर्सन की जिसमें कोई भी पर्सन अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। और बैलेंस एबिलिटी हमें हेल्प कहाँ करती है बच्चा, जब हम योगा करते हैं ठीक है, तब हम एक स्टेशनरी पोजिशन पर बहुत देर तक रुके रहते हैं ना, तो वो किस एबिलिटी की वजह से, वो बैलेंस एबिलिटी की वजह से। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका योगा हो गया आपका, क्या हो गया बच्चा, योगा एक तरह का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं रिदम एबिलिटी। तो बच्चा रिदम वर्ड आ रहा है, मींस कोई भी चीज कंटिन्यूअसली हो रही है। अगर कोई भी मूवमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है, अगर इसका एग्जांपल हम लेना चाहें तो जिम्नास्टिक की बात कर लें। अगर जिम्नास्टिक आपने देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि एक तरह से ये लकड़ी होती है, इसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग जंप करते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। एक रिदम होता है उनका, उसको वो कंटिन्यू फॉलो करते हैं और उसी में अपनी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। मींस अगर कोई भी पर्सन अपनी बॉडी को एक रिदम में बैलेंस रखता है तो डेट एबिलिटी इज नोन एज रिदम एबिलिटी। उसका एग्जांपल अपना जिम्नास्टिक हो गया। इतना आपको समझ आ गया ना बच्चा। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेटरी एबिलिटीज की। तो बच्चा इसका मतलब सीधा कॉम्बिनेशन से, मींस अगर आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं ठीक है, दो प्लेयर हैं और ये तीसरा प्लेयर है दूसरी टीम का, तो आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं। मींस अगर कोई भी गेम आप खेल रहे हैं तो उसमें जब आपका प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है ना, कि कोऑर्डिनेशन करके आपको काम करना है, आप दोनों को एक दूसरे से मिलके काम करना है, तो डैट कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इज नोन एज कोऑर्डिनेटरी एबिलिटी। आई होप क्लियर हो गया ना। मींस दो कोई भी पर्सन एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हुए काम करते हैं, तो डैट एबिलिटी इज नोन एज कोऑर्डिनेटरी एबिलिटी। अब हम अपने नेक्स्ट एबिलिटी पे आते हैं, जो हमारा है काइनेटिक एबिलिटी। बच्चा ये हमारा जो वर्ड है ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ये ज्यादातर मूवमेंट से रिलेटेड होता है। मींस हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है डायनेमिक मूवमेंट के दौरान, हमारी जो एबिलिटी होती है वो हमारी कौन सी होती है, ये वाली एबिलिटी होती है। अब बात करते हैं लास्ट एबिलिटी की, जो हमारा है ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो बच्चा ये एबिलिटी हमारी वो एबिलिटी है, सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, जब कोई भी पर्सन अपने आप को टाइम और कंडीशन के साथ एडजस्ट कर लेता है ठीक है। अगर कोई भी टाइम चल रहा हो, कोई भी कंडीशन हो, तो वो एडजस्ट कर लेगा। इसका एग्जांपल आपको बताऊं, जब प्लेइंग फील्ड में कोई भी प्लेयर होता है तब बहुत सारी कंडीशंस आती हैं ठीक है, तो उस कंडीशन में उस टाइम पे अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को बैलेंस करे, अपने प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में गेम खेले, तो दैट एबिलिटी इज नोन एज ओरिएंटेशन एबिलिटी। आई होप आपको सारी एबिलिटी समझ आ गई होंगी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है, एजिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आज के चैप्टर के, जो हमारा क्या है बच्चा, सर्किट ट्रेनिंग मेथड। तो बच्चा अब हम बात करते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड होता क्या है। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, सर्किट ट्रेनिंग मेथड बच्चा एक तरह का सीरीज है जिसमें कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज रखी जाती हैं और वो एक्सरसाइज कोई भी पर्सन परफॉर्म करता है बिना रेस्ट लिए। मींस जितनी भी एक्सरसाइज उसमें रखी गई हैं उस सीरीज में, वो सारी एक्सरसाइज उस बच्चे को या उस पर्सन को परफॉर्म करनी है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। और इसमें जो भी हमारी सिलेक्टेड एक्सरसाइज होती हैं ये डिफरेंट स्टेशंस पे होती हैं। अब आप कहेंगे सर स्टेशंस क्या होते हैं, तो बच्चा आप सबको पता होगा जब आप जिम में जाते हैं तो आपकी एक बेंच होती है जिसपे आप चेस्ट प्रेस करते हैं ठीक है, एक होती है जिसमें आप अपनी बाइसेप्स बना सकते हैं। तो इन सबकी जो मशीन अलग अलग लगी होती हैं, तो उन्हीं मशीन्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशंस बोलते हैं। मींस अगर आपकी कोई भी एक सीरीज जिसमें सिलेक्टेड एक्सरसाइज रखी जाती हैं और वो पर्सन डिफरेंट स्टेशंस पे वो एक्सरसाइज परफॉर्म करता है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, तो दैट मेथड इज नोन एज सर्किट ट्रेनिंग मेथड। और ये चीज बच्चा छोटी सी जगह पे कराई जाती है, मींस स्मॉल प्लेस पे कराई जाती है, तो वो प्लेस हमारी क्या कहलाती है, वो प्लेस हमारी सर्किट कहलाती है। आई होप आपको समझ आ गया कि सर्किट क्या कहलाता है। ये एक तरह की छोटी सी प्लेस होती है जहां पर हमारा सर्किट ट्रेनिंग मेथड परफॉर्म होता है बच्चा। और आपको पता ही है कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड होता क्या है, वेरियस सिलेक्टेड एक्सरसाइज का एक तरह की सीरीज होती है जिसको कोई भी पर्सन परफॉर्म करता है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड होता क्या है। अब चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बच्चा, जो है एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग मेथड। तो अब हम क्या जानेंगे, अब एडवांटेजेस जानेंगे जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो बच्चा सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि अगर कोई भी एक पर्सन है या कोई भी एक कोच है, वो बहुत सारे बच्चों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है
सर्किट ट्रेनिंग मेथड में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकंड इसमें है 5 से 10 स्टूडेंट्स एक साथ ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड इसमें आप एडवांटेज लिख सकते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड की हेल्प से जितने भी बिगनर्स होते हैं इन सबका स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बहुत अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ मिल गई। अब बात करते हैं बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। आपको ये तो पता चल गया कि बच्चा आपको सर्किट ट्रेनिंग में क्या कराना है, ठीक है, वेरियस सिलेक्टेड एक्सरसाइज करानी है, पर वो कितनी देर तक करानी है, क्या क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बच्चा, हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन सर्किट ट्रेनिंग सेशन। जो हमें हमारा सर्किट ट्रेनिंग का सेशन होता है उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें नोट करके रखने हैं। तो बच्चा नोट करिए, जब भी आप सर्किट ट्रेनिंग मेथड को डिफाइन करेंगे तो ये चीज जरूर लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रिपीटिशन एट ईच स्टेशन। मीन्स अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, अगर एक बच्चे ने चेस्ट प्रेस मारा, मीन्स बेंच पे अपना चेस्ट के लिए कोई भी एक्सरसाइज की, तो इसके कम से कम 3 सेट वो करेगा, ठीक है। इसके बाद में जब वो अपनी शोल्डर्स की एक्सरसाइज करेगा किसी भी और स्टेशन पे, या फिर बाइसेप्स की एक्सरसाइज करे, या अपनी लेग्स की एक्सरसाइज करेगा, तो उनके भी सेट होने चाहिए, मीन्स रिपीटिशन होना चाहिए सेम स्टेशन पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इसमें बच्चा पॉइंट ये लिखेंगे कि अगर आपने अभी किसी भी पर्सन से चेस्ट की एक्सरसाइज कराई है तो जो आप दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे वो कोई चेंज एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चेस्ट की ही एक्सरसाइज दूसरी कोई करवा दे रहे हैं, ठीक है। मींस आपको किसी और बॉडी पार्ट पे फोकस करना है, आपको सेम बॉडी पार्ट की 10-12 एक्सरसाइज नहीं करानी है सेशन पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चा जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि इस सेशन के दौरान किसी भी पर्सन को जो भी ये सेशन कर रहा है, जो भी ये मेथड से ट्रेनिंग ले रहा है, उसको रेस्ट नहीं देना है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल रेस्ट नहीं देना है, कंटिन्यूस ये सारी एक्सरसाइजेस उसको करानी है डिफरेंट स्टेशंस पे, ठीक है। और इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है कि ड्यूरेशन, जो भी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं अपनी सीरीज में, लाइक मैंने पहले कोई एक्सरसाइज कराई तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, तो क्लियरली आपको बता रहा हूँ 30 सेकेंड्स, ठीक है, क्या है 30 सेकेंड से 2 मिनट, 30 सेकेंड से 2 मिनट तक की ही ड्यूरेशन होनी चाहिए एक एक्सरसाइज की हमारी ट्रेनिंग सेशन में। तो आपको पता है वेरियस ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज अगर हमें परफॉर्म करनी है तो थोड़ा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा हमें हर एक एक्सरसाइज पे, ताकि होलसम डेवलपमेंट हो सके किसी भी पर्सन का, बॉडी का, अपने कौन से मेथड से, सर्किट ट्रेनिंग मेथड से बच्चा, ठीक। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक्स आपको। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सैम्पल पेपर आपके सामने जल्दी आएगा, और जो भी हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर की जो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ अगर आपने पढ़ भी रखा है वो चैप्टर एक बार ज़रूर देखिएगा। आई गारंटी यू आपको बिल्कुल दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी, ऐसे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो चैप्टर, और आपके लिए एक अच्छी सी सीरीज बन के आएगी हर एक चैप्टर के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एक तरह से आप मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपके आने ही वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस होंगे, देखिएगा ज़रूर, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, आई गारंटी यू। आप सबके सपोर्ट से मैंने सारी चीज़ें आज खत्म करा दी हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि मेरे को थोड़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।